आज हम हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा करने वाले हैं। इतनी तेज ये फाउंटेन चल रहा है, वाटरफॉल चल रहा है ना, कि पूरा एरिया जो है गीला हो चुका है। अगर आप इस तरफ से आएंगे तो जो सीधे वाला रास्ता है ये जाएगा गंगोत्री धाम के लिए। गंगोत्री धाम के लिए लिखा गया है कि भगीरथ तपस्तानम त्रिशलोकेषु विश्रुतम इदम। इस तरफ की जो व्यू है कितने अच्छे हैं। मैं उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच चुका हूं। ये वही जगह है जहां पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर देखिए, ये है गंगोत्री धाम का मंदिर। मात्र प्रधानमंत्री जी का ही ये ड्यूटी नहीं है कि इसे स्वच्छ रखें, अखिल विश्व से मेरा यही निवेदन है कि यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री गंगोत्री धाम और माँ गंगा को स्वच्छ रखें। पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय माँ गंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं हरिद्वार के स्वामी सर्वानंद घाट पर हूँ। आज 21 अक्टूबर का दिन है। आज हम हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा करने वाले हैं। यहाँ से गंगोत्री धाम हम आपको ले चलेंगे, दर्शन कराएंगे, रास्ते के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा कैसे करनी चाहिए, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। रास्ते में कौन कौन से फेमस प्लेस पड़ते हैं, कौन कौन सी जगह में आप जा सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार से गंगोत्री धाम के बीच में बहुत सारे प्लेस ऐसे हैं जो खास हैं, तो उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो हमारे साथ बने रहें, कोशिश रहेगी कि गंगा जी के अच्छे से दर्शन हम आपको गंगोत्री धाम से कराएंगे। तो जय गंगे माता। ये स्वामी सर्वानंद घाट है और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जल नहीं है, लेकिन हम आपको गंगोत्री धाम से भागीरथी नदी के बहुत ही अच्छे वाले दर्शन हम कराएंगे। तो बोलिए जय गंगे माता। हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये वीडियो जो देख रहे हैं आप सभी, ये 21 अक्टूबर के दिन की है। 21 अक्टूबर को लगभग 2:30 बजे के आसपास हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा हमारी शुरू होती है। वैसे चार धाम में से किसी भी धाम अगर जा रहे हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग यात्रा करनी चाहिए, लेकिन हमें सुबह समय नहीं मिल पाया तो 2:30 बजे के आसपास दोपहर के समय हमने ये यात्रा शुरू की है। देखते हैं आज हम कितना नज़दीक गंगोत्री धाम के पहुंचते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हरिद्वार से गंगोत्री धाम यात्रा के बीच में सारी जानकारी हम आपको देंगे, और उसके साथ साथ रास्ते में कौन कौन से प्लेस पड़ते हैं, कहां पर आपके पास स्टे के ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, लास्ट तक देखना और शेयर जरूर करना। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश चार धाम यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं नरेंद्र नगर के पास, और नरेंद्र नगर जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर चंबा आ जाएगा। तो ये मुख्य स्थान पड़ते हैं। पहले हरिद्वार से निकले ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आगे बढ़ेंगे तो नरेंद्र नगर आप पहुंचेंगे, और उसके आगे चंबा। तो ऐसे ही आगे के रास्ते के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और ये जो जगह है ना, बहुत ही अच्छी जगह है, फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ पर कुंजापुरी माता जी का मंदिर है। आप इस वाले पहाड़ में देखेंगे ना, ये जो सेंटर में पहाड़ दिख रहा है ना, इसमें माता कुंजापुरी, जो कि नरेंद्र नगर का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, यहाँ की पूरी वीडियो हमने बना रखी है, दर्शन भी माता रानी के कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कुंजापुरी माता जी का जो मंदिर है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे लोग जो चंबा आते हैं, नरेंद्र नगर आते हैं, वो कुंजापुरी माता जी के दर्शन जरूर करते हैं। मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा जूम करके ये मंदिर दिखाया जाए। वो देखिए, वहाँ पर माता रानी का एक भव्य मंदिर है, और हाइट देखिए उस पहाड़ में, कितना ज़्यादा हाइट पर है पहाड़। और रास्ता जो है वहाँ का उस जगह से जाता है, ये देखिए ये रास्ता वहाँ से नज़र आ रहा है ऐसे घूमते हुए। बहुत ही सुंदर प्यारा सा रास्ता है। ऑन रोड से बात करें तो लगभग 3.5-4 किलोमीटर आपको पहाड़ों में जाना होगा, और उसके बाद कुंजापुरी मंदिर में पहुंचकर आप दर्शन कर सकते हैं। अभी यहां से हम चलते हैं उत्तरकाशी की ओर,
क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि हमें काफ़ी टाइम हो गया, लगभग हम 2:30 में हरिद्वार से निकले हैं और अभी समय की बात करें तो 3:45 हो चुके हैं, लगभग हमें चलते हुए 1.25 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो आज हम उत्तरकाशी पहुंचेंगे, उत्तरकाशी में स्टे करेंगे क्योंकि उत्तरकाशी अभी भी यहां से 140 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद हम कल के दिन अर्ली मॉर्निंग उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के लिए निकलेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि हरिद्वार से गंगोत्री धाम के बीच की दूरी कितनी है, तो 290 किलोमीटर है, 290 किलोमीटर आपको यात्रा में चलना होगा और समय की बात करें तो लगभग 9 घंटे के आसपास समय लग जाता है। बाकी डिपेंड करता है आप किस तरह कार जो है या बाइक ड्राइव कर रहे हैं। और ये है चंबा की काफ़ी बड़ी ये टनल है और इसी टनल से आगे हम निकलते हुए उत्तरकाशी पहुंचेंगे, क्योंकि उत्तरकाशी जो है बहुत ही एक फेमस जगह है और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही गंगोत्री धाम पड़ता है और उत्तरकाशी ही डिस्ट्रिक्ट में यमुनोत्री धाम पड़ता है। तो दो धाम जो हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। अच्छी बात यह है कि चंबा बाईपास होते हुए हम आगे की ओर निकल जाते हैं, तो इसमें क्या है कि आप जो है चंबा जो सिटी है उसमें आप ट्रैफिक से बच जाएंगे। और ऐसे ही नरेंद्र नगर में भी होता है, आप नरेंद्र नगर बाईपास के रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं, तो आप कुल मिलाकर आपको ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं चिन्याली सौड़, ये जगह है और यहाँ से उत्तरकाशी की जो डिस्टेंस है वो मात्र 30 किलोमीटर के आसपास है। हम हरिद्वार से 2:30 निकले थे और अभी जो फ़िलहाल समय हो रहा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, समय 6:35 हो रहे हैं इस समय, तो लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो ये सफ़र है 160 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर एक घंटे में हमारा एवरेज है। तो यहाँ से अभी हम 30 किलोमीटर और चलेंगे और अब उसके बाद हम उत्तरकाशी रुकेंगे, फिर कल के दिन अर्ली मॉर्निंग हम आपको गंगोत्री धाम ले चलेंगे। तो फिलहाल ये देखिए जगह काफ़ी अच्छी है और एक बड़ी जगह मिली है चिन्याली सौड़, ये देखिए इतना बड़ा बोर्ड आपको दिख रहा होगा। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं धरासू बैंड में। ये जो धरासू बैंड है आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास जगह है क्योंकि यहां से एक रास्ता जो है यमुनोत्री धाम के लिए जाता है। हम उस तरफ से आए थे और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता जाता है यमुनोत्री धाम के लिए, और अगर आप इस तरफ से आएंगे तो जो सीधे वाला रास्ता है ये जाएगा गंगोत्री धाम के लिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि धरासू बैंड आप सभी के चार धाम यात्रा के लिए बहुत ही ख़ास है जब आप गंगोत्री धाम या यमुनोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वैसे आमतौर पर जब लोग चार धाम की यात्रा करते हैं तो पहले यमुनोत्री धाम जाते हैं और यमुनोत्री धाम के बाद धरासू बैंड पहुंचते हैं और यहां से इस वाले रास्ते से जाकर गंगोत्री धाम तक पहुंचते हैं। तो ये याद हमेशा ध्यान रखें कि धरासू बैंड एक बहुत ही ख़ास जगह है और यहाँ ये एक तरह से एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा जो है एक तरह से मैच करती हैं। तो आइए यहाँ से ले चलते हैं, लगभग 25 किलोमीटर उत्तरकाशी और रह गया है तो वहाँ पहुँचते हैं और यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अभी तक जो हमें रास्ता मिला था वो बहुत ही अच्छा मिला था, लेकिन उत्तरकाशी के करीब जब हम पहुँचे तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है और ये देखिए बहुत दूर तक ये जो है पत्थर और रास्ते में पड़े हुए हैं और मेन कह सकते हैं कि उत्तरकाशी से थोड़ा सा पहले ही आता है और अब हम उत्तरकाशी पहुँच भी चुके हैं। तो दोस्तों लगभग 5 घंटे की जर्नी के बाद अब हम पहुँच चुके हैं उत्तरकाशी और उत्तरकाशी में ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं यहीं पर हम रुके हुए हैं और सबसे अच्छी बात इस प्रॉपर्टी की क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये भागीरथी नदी है
तो मैंने सोचा था कि भागीरथी नदी के पास में ही होटल लेंगे ताकि अच्छे वाले व्यू दिखा सकें आपको। ये देख सकते हैं भागीरथी नदी, और इधर भी उत्तरकाशी है और ये भी उत्तरकाशी इस तरफ का एरिया है। तो कह सकते हैं कि भागीरथी नदी के दोनों तरफ उत्तरकाशी का एरिया है। आइए आपको रूम दिखाते हैं जिस रूम में हम रुके हुए हैं। तो ये हमारा रूम है, आइए ये देखिए, हम चार लोग हैं, हमने 4-bedroom लिया है। दोस्तों ये है यहाँ का वॉशरूम, आप देख सकते हैं काफी बड़े साइज का वॉशरूम है, वेस्टर्न कमोड है, और गीजर की जरूरत यहाँ तो आपको पड़ेगी क्योंकि काफी ठंडा जल यहाँ पर आता है और ठंड भी रहती है। तो ये है, और यहाँ पर एक वॉश मशीन है। उत्तरकाशी में जिस होटल में हम रुके थे, अगर आप यहाँ के बारे में डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, मैं आपको और प्रॉपर तरह से जानकारी दे दूंगा। दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय गंगे माता। आज 22 अक्टूबर का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं इस समय। थोड़ी देर में हम यहाँ से गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उत्तरकाशी दिखाते हैं। ये होटल की छत में हम पहुंचे हैं ताकि उत्तरकाशी के अच्छे वाले व्यू आपको दिखा सके। इस तरफ देखते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर भागीरथी नदी की भी धारा है, बिल्कुल होटल के पास में ही है। इस तरफ देखिए, इस तरफ की जो व्यू है कितने अच्छे हैं। आप सभी उत्तरकाशी के शानदार नज़ारे देख सकते हैं, बीच में भागीरथी रिवर और दोनों साइड जो है आपको उत्तरकाशी नज़र आ रही है। और उत्तरकाशी जो है उत्तराखंड में एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम दोनों उत्तरकाशी में स्थित हैं। इस समय आप सभी उत्तरकाशी के सुंदर नज़ारे देख रहे हैं। यहाँ से गंगोत्री धाम की डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 97 किलोमीटर के आसपास है, और 3.5 घंटे के आसपास लगता है। तो वहाँ पहुँचकर हम आपको गंगोत्री धाम मंदिर के दर्शन कराएंगे, आसपास के वहाँ के व्यू दिखाएंगे, और बीच में भी कुछ मुख्य स्थान पड़ते हैं वहाँ के भी दर्शन आप सभी को कराएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे प्लेसों के दर्शन होने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें, और गंगा जी के मंदिर में हम दर्शन करने जा रहे हैं तो सभी लोग जय गंगे माता ज़रूर लिखना। तो आइए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। मीटर की ये टनल है, इस टनल से आगे चलेंगे, और गंगोत्री की दूरी जो है वहाँ पर लिखा हुआ है 100 किलोमीटर है, वहीं हरसिल की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है। तो फिर इस टनल के सुंदर नज़ारे आप सभी को दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों ये है उत्तरकाशी की टनल, 370 मीटर लंबाई की। जैसे ही आप इस टनल को पार करेंगे तो उत्तरकाशी का जो सबसे प्रसिद्ध और पौराणिक जो मंदिर है वो आने वाला होगा। तो ये ध्यान रखें, उत्तरकाशी से अगर जा रहे हैं तो उत्तरकाशी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां के दर्शन जरूर करें। दोस्तों अब मैं उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच चुका हूं, आप सभी को मंदिर के अंदर ले चलेंगे और दर्शन कराएंगे। देखिए कितना भव्य मंदिर है, ये भागीरथी नदी के तट पर ये मंदिर स्थित है, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। उत्तरकाशी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसका संबंध जो है वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से है, बहुत ही खास ये मंदिर है उत्तर का काशी। कहते हैं कि आने वाले समय में जब कलयुग अपने पीक पर होगा तो महादेव जो है, जो उनकी मनपसंद जगह है हिमालय, वो हिमालय पर आ जाएंगे और इसी मंदिर में फिर से वो विराजेंगे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो शिवलिंग है ना वो बहुत ही खास है। कहते हैं एक तरफ झुका हुआ है, काफ़ी बड़े आकार का यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है जहाँ पर भोलेनाथ की पूजा आराधना होती है। तो अगर आप उत्तरकाशी में हैं और इस मंदिर में दर्शन नहीं करते तो फिर तो आपको समझ सकते हैं कि बहुत दुख होगा, क्योंकि भगवान महादेव का आशीर्वाद जहाँ पर मिल सके वहाँ पर लेते हुए आगे बढ़ते रहें।
दोस्तों उत्तरकाशी से लगभग 8-10 किलोमीटर हम चलकर आगे आ चुके हैं और यहाँ की जो दृश्य है ना, सच में आपका मन मोह लेंगे। इतना बड़ा वाटरफॉल देखने को मिलता है, हालांकि ये वाटरफॉल नहीं है, यहाँ पर एक डैम है और डैम का ही जल जो है आगे आ रहा है। बहुत ही शानदार व्यू आपको देखने को मिलेंगे, ख़ास तौर पर जब आप जून के महीने में गंगोत्री धाम की यात्रा करेंगे ना, तो इस जगह पर जब आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, सुकून मिलेगा। क्योंकि ये देखिए जल की ड्रॉप जो है ना, इतनी तेज़ ये फाउंटेन चल रहा है, वाटरफॉल चल रहा है ना, कि पूरा एरिया जो है गीला हो चुका है। और हम भी ज़्यादा देर यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते, अगर ज़्यादा देर खड़े होंगे ना तो ठंड भी लगेगी और प्लस हम भीग भी जाएंगे। तो आइए आगे कंटिन्यू चलते हैं, थोड़ी दूर में मनेरी है, उसके बाद आएगा गंगनानी जो कि एक बहुत ही फेमस जगह है। अब हम मनेरी से आगे बढ़ चुके हैं और मनेरी से जब आगे बढ़ेंगे तो भटवाड़ी जगह आती है और उसके बाद एक बहुत ही फेमस जगह आती है गंगनानी, जहां पर गर्म जल का कुंड है, जहां पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और उसके बाद गंगोत्री धाम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने ये सफ़र 2:30 बजे दिन में शुरू किया था, लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे या सुबह 9 बजे भी शुरू करेंगे तो उसी दिन आसानी से 9 घंटे बाद आप गंगोत्री धाम तक पहुंच जाएंगे। तो इन बात का ध्यान रखें, हमें तो स्टे करना पड़ा था क्योंकि लेट हम चले थे। आप भी अगर किसी कारणवश लेट होते हैं या लेट हरिद्वार से आप यात्रा शुरू करते हैं तो आप लोग उत्तरकाशी में रुक सकते हैं और उत्तरकाशी जो है बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रहेगा, वहां पर बजट रूम आपको मिल जाएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं पायलट बाबा आश्रम। पायलट बाबा जो आश्रम है ना, ये मनेरी से जब आप आगे चलेंगे तो पायलट बाबा आश्रम आता है, काफी अच्छा आश्रम है और हरिद्वार में भी पायलट बाबा का आश्रम है। दोस्तों अब बात करते हैं कि गंगोत्री धाम के कपाट जो है कब बंद हो रहे हैं। तो 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट जो है बंद हो जाएंगे, 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं और उसके बाद माँ गंगा की डोली जो है मुखवा गांव में आ जाती है और वहीं पर पूजा आराधना होती है। तो आपके पास कुछ ही दिन का समय है, अगर गंगोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया है तो अच्छी बात है, नहीं कराया है तो रास्ते में भी आप आसानी से करा सकते हैं। रास्ते में भी उत्तरकाशी से जब निकलते हैं आगे तो वहाँ पर कई विंडो है जहाँ पर आसानी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ज़्यादा भीड़ नहीं हो पा रही है, तो आप रास्ते में भी रजिस्ट्रेशन करा के गंगोत्री धाम की यात्रा पूरी कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, गंगोत्री धाम में आपको ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है, जैसे बद्रीनाथ धाम में आप पार्किंग में कार लगाने के बाद आसानी से 5-10 मिनट पैदल चल के मंदिर तक पहुंच सकते हैं, सेम वैसा ही है। बस डिपेंड ये करता है कि कितनी भीड़ है, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी पार्किंग आपकी थोड़ी सी पीछे हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं 500-600 मीटर आपको पार्किंग से मंदिर तक जाने में समय लगेगा, ट्रैक नहीं है, ट्रैकिंग नहीं है। जैसे कि यमुनोत्री धाम में 6 किलोमीटर और केदारनाथ धाम में 18 किलोमीटर का ट्रैक फिलहाल करना पड़ रहा है, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं आने वाली है, आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गंगनानी और गंगनानी जो है गंगोत्री धाम यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है और यहाँ पर गर्म जल का कुंड भी है। बस कुछ ही सीढ़ियाँ यहाँ से आपको चढ़ना होगा और वहाँ पर एक मंदिर है। तो अब मैं गंगनानी पहुंच चुका हूं, ये गर्म जल का कुंड है जहां पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और उसके बाद यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और ये है गंगनानी का फेमस मंदिर। वैसे हम गंगनानी की एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें गंगनानी का पूरा इतिहास बताएंगे, अभी फिलहाल हम आपको वो स्थान बता रहे हैं जो कि हरिद्वार और गंगोत्री धाम के बीच में पड़ते हैं। दोस्तों अब हम गंगनानी से आगे का सफर शुरू करते हैं। गंगनानी से गंगोत्री धाम की जो दूरी है वो 55 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर जब और चलेंगे तो हरसिल आ जाएगा और हरसिल से 25 किलोमीटर गंगोत्री धाम और आगे है। तो गंगनानी से 55 और हरसिल से 25 किलोमीटर बाद गंगोत्री धाम आ जाता है। और अब मैं पहुंच चुका हूं हरसिल की सुंदर वादियों में।
ये वही जगह है जहाँ पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग हुई थी, और यहाँ पर जो फिल्म की एक्ट्रेस थी मंदाकिनी जी, यहीं पर उन्होंने स्नान करते हुए उस वीडियो में दिखाया था। तो ये बहुत ही फेमस जगह है, और जब भी लोग हरसिल आते हैं ना तो इस जगह पर फोटोग्राफी ज़रूर करते हैं। पहले कहते थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल आता था, लेकिन अभी जो है फिलहाल सिर्फ इतना जल आते हुए नज़र आ रहा है। तो ये सुंदर दृश्य देखिए और हमारे साथ बने रहें। यहाँ से 25 किलोमीटर गंगोत्री धाम है, वहाँ भी पहुँचेंगे और वहाँ भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे कि उत्तरकाशी जो है ये बहुत ही खास जगह है, और सबसे ज़्यादा होटल्स जो हैं रुकने के जो ऑप्शन हैं वो आपको उत्तरकाशी में मिलते हैं, और जितने भी ट्रैवल एजेंसी हैं वो आपको उत्तरकाशी में मोस्टली स्टे देती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें कि उत्तरकाशी में जिस तरह हमने यात्रा की है सेम ऐसे ही वो लोग भी आपको यात्रा कराएंगे, उत्तरकाशी में नाइट स्टे कराएंगे, नेक्स्ट डे आपको गंगोत्री धाम से दर्शन कराने के बाद फिर से उत्तरकाशी लाकर नेक्स्ट डे फिर स्टे करना होगा, और उसके बाद आप लोग जाएंगे केदारनाथ धाम यात्रा पर। यहाँ से पार्किंग जो है शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों फाइनली हम गंगोत्री धाम कह सकते हैं पहुंच चुके हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं इस गेट से एंट्री करेंगे और लगभग 200 मीटर 300 मीटर अंदर और चलेंगे, उसके बाद गंगोत्री धाम का जो मुख्य मंदिर है वो आपको नज़र आएगा। तो आइए ले चलते हैं आगे और दर्शन कराते हैं। दोस्तों अब मैं गंगोत्री धाम के बिल्कुल पास में हूँ। ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, इस गेट से जैसे ही कुछ कदम आप आगे चलेंगे आपको गंगोत्री धाम का जो भव्य मंदिर है वो नज़र आएगा। तो आइए आपको ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। जय गंगे माता, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। यहाँ पर देखिए ये है गंगोत्री धाम का मंदिर, आइए फ्रंट से दिखाते हैं आपको। देखिए ये है गंगोत्री धाम का मंदिर, आप सभी को कुछ ही देर में दर्शन होने वाले हैं। देखिए पीछे से आ जाओ यहाँ से। दोस्तों समय की बात करें तो उत्तरकाशी से हम कई जगह पर रुकते रुकते आए हैं, लेकिन अगर आप उत्तरकाशी से यहाँ पर लगातार चलते हुए आएंगे तो 3.5-4 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और फिलहाल देखिए बहुत ही तेज़ हवा चल रही है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप हरिद्वार से गंगोत्री धाम यात्रा के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, कैसे प्लान करें, कैसे यात्रा करें, तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। वैसे तो मैक्सिमम डाउट जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप समाप्त हो गए होंगे, रास्ते के बारे में तो आपको कम से कम पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब आप सभी गंगोत्री धाम से माँ गंगे के दर्शन कर सकते हैं। ये मुख्य मंदिर के दर्शन इस समय आप सभी कर रहे हैं, सभी लोग लिखेंगे जय गंगे माता। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा गंगोत्री धाम आपको घुमाने वाले हैं कि गंगोत्री धाम में कौन कौन से प्लेस पड़ते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हरिद्वार से आप गंगोत्री धाम चलेंगे तो पहले ऋषिकेश आएगा, उसके बाद नरेंद्र नगर आएगा, और नरेंद्र नगर से जब आप आगे चलेंगे तो चंबा आता है, और चंबा से जब आगे चलेंगे चिल्याणी सौड आएगा, उसके बाद आएगा उत्तरकाशी, मनेरी, भटवाड़ी, और उसके बाद गंगनानी, और उसके बाद हरसिल, और उसके बाद आएगा गंगोत्री धाम। तो दोस्तों आप सभी को जय गंगे माता। आज हमारे साथ गंगोत्री धाम समिति के अध्यक्ष साहब हैं सेमवाल जी, तो इनका परिचय अच्छे से जानेंगे, और उसके साथ साथ
गंगोत्री धाम की जो महिमा है उसके बारे में जानेंगे। आश्रम का नाम बताओ। आश्रम तो हमारे भोला दास करके, भोला दास नदी को उस पार ऐसा।